हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं क्या करने, सेकंड पार्ट ऑफ कौन सा वीडियो, फ्रैंकली स्पीकिंग विद राज ठाकरे, फुल इंटरव्यू, अर्नब गोस्वामी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एंड फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है। मजा इसका आ रहा है कि अर्नब जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ निकलवा लें उनसे, या किसी तरह से उन्हें गुस्सा दिलवा दें, या किसी कुछ कुछ कर रहे हैं मतलब। और जो राज ठाकरे है ना, वो अपना पूरा लगे हुए कि बाबा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम तो टेंथ क्लास से तुम नीचे जाके डीप रिमोट हो गए हो और तुम मॉन्टेसरी में पहुंच गए। जिस तरह से तुम बार 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 मैं समझाता जा रहा हूँ वही बात बोल रहा हूँ और तुमको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने किया था वीडियो एंड। तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी, अगर याद रहा तो लिंक भी डाल दूंगी, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पहले वो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें सेकेंड पार्ट, क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना, नहीं कठिन देने में टाइम लगता है। कठिन सवाल नहीं है ये, मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो उनको कब का समझ में आ चुका है। हमें भी आ गया। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझ रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो एक नई पार्टनरशिप और जुगलबंदी बन रही है, इसके बेसिस और इसके रीड के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने 3 साल पहले बताया था? आपने सपोर्ट तो 9 मार्च को दिया 2014 में, 3 साल पहले। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, वो बनने चाहिए, ये मैंने 3 साल पहले कहा ना। मगर राजनाथ सिंह तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझे, 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? मोदी वेव, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा आपको, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं मैं नहीं आप रिवाइंड करके देख लीजिए। हैव नेशनल पार्टीज टेकन ओवर रीजनल पॉलिटिक्स इन योर ओपिनियन? लेट मी पुट द क्वेश्चन टू यू डिफरेंटली। द जनरल फीलिंग इज, क्या कर रहे हैं? नहीं, राम जेठमलानी की तरह आप सवाल पूछते जा रहे हैं कि एक ही जो जवाब चाहिए ना आपको वो मिल चुका है, लेकिन आप यहां से वहां से वही सवाल पूछते जा रहे हैं। राज ठाकरे जी, वेरी सीरियस क्वेश्चन, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल, और जो फीलिंग हो रहा है दैट सेंट्रल पार्टीज हैड बिकम लेस इंपॉर्टेंट, बट देर इज अ ग्रोइंग फीलिंग दैट विद द इमर्जेंस ऑफ बिग रीजनल नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टी स्पेस विल बिकम स्मॉल। मैं बिल्कुल आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एज अ इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर, डू यू बिलीव दैट ए इज देयर अ मोदी वेव, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट विल इट इंपैक्ट अ पार्टी लाइक द एमएनएस? इसके बारे में आपका असेसमेंट क्या है? बोलो कि ए इज देयर अ मोदी वेव, और उसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन दूसरा सवाल है, विल दैट इंपैक्ट द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ अ पार्टी लाइक द एमएनएस? हाउ विल देयर बी अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द टू इफ देयर इज वन? अर्णब, मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं अभी। ये रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मुझे लगता है मैं जवाब दे चुका हूं इन सारी चीजों का। आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या चाहिए इंटरव्यू में ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था। नहीं, सिंपल नहीं, आपने एक ही सवाल 10 बार पूछा, 10 बार मेरे से वही जवाब लिया आपने। मुझे क्या लग रहा है आज के इंटरव्यू में, मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 इंटरव्यू में आपको जो क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि बहुत आप नरम पड़े राज ठाकरे के सामने, इसलिए आप एक थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आज सामने आ रहे हैं। राजी, कोई नरम या गरम होने की बात नहीं है। जो ये कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि आप अभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट पीपल आर सीइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओवरऑल रिलेशनशिप विद द शिवसेना। एलिगेशन आप पे ये है कि योर इवेंचुअल टारगेट इज टू टेक ओवर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शिवसेना। डोंट यू अग्री विद दैट असेसमेंट? आपके जो मैं कमेंट्स भी देखूं ऑफ लेट, तो मुझे लग रहा है दैट द टेंशन बिटवीन यू एंड द शिवसेना हैज ग्रोन। आप भी इस बात को मानेंगे, और
जो बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, राज ठाकरे जी, इट इज योर वे इन द लॉन्ग टर्म और द मीडियम टर्म टू कंप्लीटली टेक ओवर द स्पेस ऑफ द शिवसेना, इज माई असेसमेंट करेक्ट? नहीं, मुझे लगता है आपको ऐसे लग रहा है, मैं मेरी राजनीति कर रहा हूं, मैं किसी को खत्म करने के लिए ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, वो उनकी राजनीति करे, वो उनकी इलेक्शन लड़े, कोई स्पेस या कुछ ऐसी कुछ बात नहीं होती। अगर मुझे लोगों का समर्थन मिलता है तो मिलता है, मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। और देखा जाए तो मैं अगर उनके ऊपर, मैंने तो दो ही बार क्रिटिसाइज किया, तीन चार बार आपने काफी कुछ, दो बार मुझे मालूम है, एक 31 मार्च को किया और उसके बाद मैंने अभी अभी जो लास्ट डोंबिवली में मेरी रैली हुई थी उस वक्त किया, दो बार किया मैंने। ओके, लेकिन मैंने कब किया, जब उन्होंने, देखो लास्ट डेढ़ साल जब बाला साहब का देहांत हुआ उसके बाद मैंने जनवरी या फरवरी में मैं महाराष्ट्र में एक मैंने 5-6 रैलीज ली थी। उस वक्त पहली रैली में उन्होंने वो सामना न्यूज़पेपर से आया था कि हमने ताली के लिए हाथ आगे किया है वगैरह। अभी बात यह है कि मैं न्यूज़पेपर पे तो ताली नहीं मार सकता ना, बराबर है, इतनी बात मैंने कही थी ना, किसी का नाम लिया था। उस दिन से लेके 31 मार्च तक, अभी शायद उसको कितना एक साल हुआ होगा, एक साल डेढ़ साल हुआ होगा, डेढ़ साल मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने कुछ एक वर्ड नहीं निकाला, मैंने कुछ बोला नहीं है। आप निकाल लो, निकाल के दिखाओ मेरे को कि मैंने शिवसेना के ऊपर क्रिटिसाइज किया या किसी के और के ऊपर क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो भी मैं कुछ करता हूं वो सामने से शुरू हो जाते हैं। जब मुझे नितिन गडकरी जी मिले तो सामना के एडिट पेज पे लिखा गया कि इस पार्टी के औकात क्या है, इस पार्टी का क्या है, ये नितिन गडकरी कौन है, ये एक क्या है, बिजनेसमैन है, हाँ, ट्रेडर है, जो भी कुछ है। मैंने तो कुछ नहीं कहा था ना, लेकिन जब कुछ चीज ज्यादा हो जाती है उसके बाद तो मुझे जवाब तो देना ही है। नहीं, दो इसमें दो सवाल हुए मेरे, इतने एक या डेढ़ साल आपने कुछ नहीं कहा, क्यों कुछ नहीं कहा, जरूरत नहीं थी, और अभी जरूरत क्या बनी कि आपको कहना पड़ा? और जिस तरह ज्यादा हो गया, आपने ये भी, आपने खाने पीने की बात उठा ली राज ठाकरे जी, हाँ तो आपने ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे को किस तरह का खाना मिल रहा था वगैरह, एक एक लेवल जैसे लोगों को लगा कि एक जरूरत से ज्यादा दोनों साइड्स के बीच में एक्रिमनी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी, इस टेंशन का सोर्स क्या था? क्या गडकरी जी आपसे मिले, कोई अरेंजमेंट हुई? अगर पूरी बात सुनोगे तो बिल्कुल सुनूंगा, मेरी बस, मेरे सवाल आप 30 सेकंड सुन लीजिए। जो असेसमेंट मेरा ये है और कई लोगों का असेसमेंट ये है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इस बात को रखें, लोगों को लगा कि आपकी बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ, आप शिवसेना को सब्स्टिट्यूट करने वाले थे अलायंस में, उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को ब्लैकमेल किया, उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट्स रख लेंगे उत्तर प्रदेश वगैरह से, उन्होंने प्रोटेस्ट की सामना में काफी कुछ आया, बीजेपी बैकट्रैक्ट ऑन दैट, देयर वाज देयरफॉर नो फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन देम, यू गॉट एंग्री एंड आफ्टर गेटिंग एंग्री you started firing your arrows at the Shiv Sena. This is my assessment. It's not just my assessment, Raj. It is the assessment of a lot of people who have seen this happen over the last 1 month. I think it is time for you to give your side of the story. पहली बात तो ये है कि मैंने ना मुंडे को फोन किया था, ना मैंने गडकरी को फोन किया था। पूरी बात ये है कि नितिन गडकरी मुझे नासिक में मिले थे, उन्होंने कहा कि हमको मिलना चाहिए, फिर वो यहां पे आए। उसके पहले 7-8 महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे रात को, और तब उन्होंने कहा था मुझे कि हमको साथ में आना चाहिए। मैंने उनको पूछा कैसे, मुझे तो लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप बताइए कैसे। बोले मैं पूछ के वगैरह मैं आपके साथ बात करता हूं। उसमें 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर वापस मुझे जब वो गोपीनाथ मुंडे जी का मुझे फोन के ऊपर फोन शुरू हो गए, फिर वो मुझे पूना में मिले, सेम क्वेश्चन, साथ में आना चाहिए, ऐसे से करना चाहिए। बोला कैसे, पूछ के पता था, वो भी चले गए। ओके, मैं तो किसी के पास गया नहीं था। फिर नितिन गडकरी जी मुझे नासिक में मिले, फिर उसके बाद यहां पे मुंबई में मिले। ओके,
अब जब मैं यहाँ पे मिला उनको, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन सामना में वो कुछ लिख के आया, तब भी मैं रिएक्ट नहीं हुआ, मतलब चलने दो इनका। मुझे कोई जरूरत नहीं थी अंदर जाने की, वो मुझे पूछ रहे थे अंदर आओगे क्या। अंदर किसके अंदर? वो उनकी जो अलायंस एनडीए एनडी जो कुछ है। और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था, कैसे आप मुझे बताइए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। कैसे? यानी कि आप शिवसेना के होते हुए कैसे? मैं सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हूं। ना 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 ना, देखिए इसमें सीट शेयरिंग होगा बराबर है, वो सीट शेयरिंग कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता। आप मुझे कैसे वो दिखाइए, इतना ही मेरा सवाल था, सिंपल सवाल था। वो खत्म हो गया, उसके बाद वो एडिट सब कुछ आ गया। ये सारी चीज मैंने जब 31 को मैंने पहली मेरी रैली ली पुणे में, मुझे लगा कि मैं ये सारी चीजें जो भी कुछ हुआ है मैं लोगों के सामने रख दूं। जो आप जो बोल रहे हैं ना, लोगों में ये है, लोगों को पता है, लोग पता चल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं, ये जो लोग कौन से हैं ना, उन लोगों के सामने मैंने ये रखा। ये रखने के बाद रिएक्शन आ गई। मैं बोला कि अगर बात करनी थी उद्धव को, बात करनी थी, एक फोन उठाना था, बात करनी थी। किससे? आपसे या तो इनसे, मुझसे ही ना, इनसे क्या होता है। उद्धव फोन उठा के आपसे बात करता। अरे उन्होंने जब कहा कि हम लोग ताली के लिए आगे हाथ कर रहे हैं, उससे बेहतर अगर ये न्यूज़पेपर में नहीं आता, सीधा फोन उठा लेता, बात कर लेता, बात हो जाती थी। करना है या नहीं करना है वो बात की बात। इतनी बात मैंने वहां पे कही, उसके बाद इतनी बात कही जिसमें क्या था। उसके बाद रिएक्शन क्या आ गई शिवसेना की तरफ से, जिसने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा जी, उसके बाद उसके बाद उसके साथ हम लोग क्या बात करें। ओके, ये कोई रिएक्शन थी? बैकस्टेप। ये इतना ही मैंने कहा था कि फोन उठाया क्यों नहीं और बात क्यों। और आपने क्या कहा? आपने कहा आई वॉज द वन हु ड्रोव हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल टू मातोश्री, आई वॉन्ट टू आस्क हिम एट दैट टाइम व्हाई डिड ही नॉट फील ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन हु बैकस्टेप्ड हिम। आपने भी तो जवाब दिया, आपने भी तो जवाब दिया। मैं ये पूरा कर रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो वो आगे का है जिसपे मैं आ रहा हूं। बात यह है कि उसने जब मैंने फोन की बात की है, फोन उठाना था और बात करनी थी, उसने कहा जिसने बैकस्टैप किया बाला साहब को, उसके साथ मैं क्या बात करूं। तो फिर ताली क्यों दी थी भाई, तब क्यों नहीं पता चला? सिर्फ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैंने ताली के लिए हाथ आगे किया था। फिर उस वक्त भी मालूम था कि बाला साहब को इसने बैकस्टैप किया है, बराबर है, फिर ताली आगे क्यों की? पर राज ठाकरे जी, एक मिनट, मुझे पूरा करने दो, मैं पूरा करने दो मुझे, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब मुझे देना है। ये सारी चीजें होने के बाद मैंने कहा कि मैं एक परिवार की हैसियत से, जहां पे हॉस्पिटल में जब मैं आया था, जब मेरे साथ तुम गाड़ी में बैठे थे और मैं मातोश्री पे जब आपको लेके आया, तुमको लेके आया, तब नहीं लगा कि बाला साहब के बैकस्टैप करने वाले आदमी के बाजू में बैठा हूं मैं? तब भी बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुमने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता था, नो प्रॉब्लम। ऐसे लगता कि वो उसके जो उसका उसका जो मत है उसके ऊपर वो कायम है। जब बाला साहब मुझे फोन पे फोन करके बुलाते थे, देखो बात ऐसी है ना कि आज अगर तुम मेरे घर पे खाना खा लो और कल चैनल पे क्रिटिसाइज कर लो, और कल मैं आपको बोलूं अर्णव रात को खाना खाया मेरे घर पे, आज क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं खाना निकालना। मैं बोल रहा हूं कि एक चीज एक मैं उनको लेके जाता था, वो लेते थे, जिनको बैकस्टैप किया उनको नहीं लगा कि मैं जिसने बैकस्टैप किया उसके हाथ का खाना खा रहा हूं। उसमें खाना निकालना नहीं होता, उसमें बात यह है कि उनको नहीं लगा, तुम्हें क्यों लग रहा है? सवाल पूछूं? अभी पूछो। पूछूं अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है। नहीं, मुझे लग रहा था कि आप अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा जवाब खत्म होने के बाद। तो मैंने सुन लिया, हो गया। अब मूल बात पे आए राज ठाकरे जी, बोलिए। मूल बात तो यह है कि एक कंपटीशन था आपके और उद्धव ठाकरे के बीच में कि कौन एनडीए में मेंबर बनेंगे, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये है, आपने पब्लिक डिक्लेरेशन कर दी 9 मार्च को
शिवसेना में इनसिक्योरिटी हो गई कि राज ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया, सामना आप भी पढ़ते होंगे, ये मत कहिए कि नहीं पढ़ते, किस तरह से आप उन्होंने आपको अटैक किया, वो कंफ्यूज हो गए। कितने सालों से, कितने दशक से शिवसेना बीजेपी के साथ एक अलायंस में है। 9 मार्च को आपने जब अनाउंस किया, आपको नहीं लगा कि आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट की? क्यों आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट क्यों की? क्योंकि आप ही ने अभी कहा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, आप ही ने अभी कहा, ये मत कहिए कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि एनडीए में ज्वाइन होने की बात हो रही थी और शिवसेना के ऑब्जेक्शन के बाद आप एनडीए में नहीं आ सके, इसके कारण उद्धव और आपके बीच में बहुत खींचातानी हुई, उस सब के बीच में ये सब हुआ। आप, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप इतने जाने माने राजनीतिक फिगर है, एट योर यंग एज यू आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोर मच्योर पॉलिटिशियंस, प्लीज टेल मी राज ठाकरे, what was the strategy in announcing your support for Narendra Modi even before your formal alliance to become a member of the NDA had been formalized? बातचीत जब खत्म नहीं हो चुकी थी तब अनाउंसमेंट आपने क्यों की? मुझे लगता है कि कितने टाइम से चल रहा है ये इंटरव्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले इसका जवाब दिया था, अगर मैं अनाउंस नहीं करता तो आप चैनल के और जो पत्रकार लोग हैं वो मुझे पूछते रहते, आप नहीं पूछते शायद, शायद आप नहीं पूछते, लेकिन वो तो पूछते रहते। बातचीत तो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, वो तो पूछते रहते हैं कि मुझे कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। ऐसे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बाद बीच में कितने महीनों से बातचीत होती रही, अलायंस के 2 घंटे पहले भी लोग ये कह रहे थे कि अलायंस होगी नहीं होगी। मैं एक सिंपल चीज, मगर चंद्रबाबू नायडू ने, बस एक, क्या चंद्रबाबू नायडू ने बाहर आके कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहा हूं? उनकी राजनीति वो जाने, मैं क्या कर रहा हूं देखो, पहली बात तो यह है कि अगर जो मेरे सांसद चुन के आएंगे वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, कोई भी चीज वो स्वीकारेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एनडीए में जाना है, बिल्कुल नहीं, कोई मंत्री पद का आश्वासन या कुछ नहीं चाहिए मुझे, हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। और राजनाथ सिंह अगर आके कहें कि फिर दोबारा, एक मिनट, फिर दोबारा देखिए, राज ठाकरे को एक बार मैंने पुणे में कहा कि बिन मांगे समर्थन मत दीजिए, मुझे लगता और दूसरी बार, दूसरी बार देखिए राज ठाकरे जी फिर से वही कर रहे हैं, बिन मांगे समर्थन करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं, ये डिसाइड मोदी जी कर रहे हैं, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, होंगे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है इसके ऊपर बात चल रही है, वो प्रेसिडेंट होंगे या आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह डज नॉट मैटर, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या, मेरा क्या संबंध है उनसे, मेरा क्या संबंध है, मैंने ये कहा है मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, मैंने ये कहा है मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, मैंने कहा है मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा अगर जरूरत पड़े तो, उसके बावजूद मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, उसके बावजूद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे एनडीए में लो, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, मैं कोई कुछ चाहता भी नहीं हूं उनसे, इस देश को एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट मिले जो अच्छा काम करे, जो आदमी अच्छा है, इससे बेहतर क्या होगा? गुड, अच्छा बोला, फिर से पूछा, कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं, मैंने ये कुछ कहा ऐसे, पॉलिटिक्स में ट्रेड ऑफ हमेशा होता है, ये मत कहिए कि आपने कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में माना ये जाता है दैट देयर इज ऑलवेज एन इंप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग एंड देयर इज अ फीलिंग दैट देयर इज एन इंप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन फॉर द स्टेट, कुछ लूंगा भी नहीं और कुछ ही। आखिरी सवाल, बाला साहेब ठाकरे को शायद इस सारी जो ये सब हुई आपको कहीं ना कहीं तो रिग्रेट होगा राज ठाकरे जी, कि जो भी हो पॉलिटिक्स में, स्पेशली गिवन योर रिगार्ड एंड एसोसिएशन विद बाला साहेब ठाकरे, कितनी बार सवाल पूछा? नहीं नहीं नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है, मैं बाला साहेब ठाकरे पे कोई पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपको नहीं लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट वॉज अवॉइडेबल दिस टाइम, दैट द रेफरेंस टू बाला साहेब ठाकरे इन दिस फाइट दैट हैपेंड बिटवीन यू एंड द शिवसेना पिछले एक महीने से, मुझे लगता है रेफरेंस अवॉइड होता, मुझे लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आया, शायद आपको इतनी मराठी समझ में नहीं आती,
बात जो मैंने की थी उसमें बाला साहब का रेफरेंस मैंने नहीं निकाला था, सामने वालों ने निकाला था कि उन्होंने कहा था मैंने बैकस्टेप किया, मैंने निकाला नहीं था। मैंने मेरी पूरी स्पीच जितने हैं वो आप देख लो, जिसमें बाला साहब का कोई नाम भी नहीं लिया था, संबंध भी नहीं था। जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया उसका वो आंसर था। सो मैं नहीं घसीट के लेके आया ये विषय को, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेरा वो पूरा स्पीच सुन ले, उसके बाद उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं बात करनी है इस विषय पे, लेकिन मुझे ये खत्म करना है। आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पूरी देख ले। और ये मौका ढूंढ रहे हैं आप किस बात, शिवसेना पर अटैक करने के लिए? बिल्कुल नहीं, और मौका ढूंढ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा समय बीत गया है, कि राज ठाकरे ने अभी तक जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एक अटैक होगा शिवसेना पर, डायरेक्ट टारगेटेड अटैक, क्या वो स्टेट इलेक्शंस के समय में होगा राज ठाकरे? नहीं, आप उम्मीद करते हैं, वैसे मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। आपको जो एक जो लाइन्स चाहिए ना? नहीं, कोई लाइन्स नहीं, नहीं। तो फिर आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो वही तो, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप ये उम्मीद रख रहे क्यों कि मैं सेना के ऊपर अटैक करूंगा, इनके ऊपर ये अटैक करूंगा? पॉलिटिकल राइवल्स है। सो मुझे जब लगता है मैं करता हूं सिचुएशन के ऊपर। क्या आपको लगता है आप शिवसेना के साथ आज से 20 साल भी बाद भी कोएग्जिस्ट करेंगे? 20 साल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल? अभी की बात कर लो ना यार। चलिए, स्टेट इलेक्शंस के बाद। तो स्टेट इलेक्शन के जब होंगे तब आप इंटरव्यू तो लेने आएंगे, तब बात करेंगे। सारी चीजें आज ही क्यों करनी है? जरूर राज ठाकरे जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत मजा आया मुझे ये इंटरव्यू देखने में, और इससे पता चलता है कि कई बारी जब इंटरव्यू में कोई बस बार 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 आपसे वही चीजें पूछने की कोशिश करता रहे और आप जो बताना चाहते हो बता दिया है आपने, पर वो फिर भी वही पूछता जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये वजह है और वो आपसे वो सुनना चाहता है वो वजह जो उसको लगती है, तो और आप कह रहे हो वो वजह नहीं है, वजह कुछ और है। तो ऐसा लगा इस इंटरव्यू में ये सब चल रहा है। पर मुझे जो सबसे अच्छी बात इस इंटरव्यू में लगी वो थी कि राज ठाकरे ने जो बोला कि मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उनका अच्छा काम देखा है मैंने, तो अब उसमें क्या पीछे पॉलिटिक्स है नहीं है, अब हम लोग जो बड़े कॉमन लोग हैं हमारे समझ से बाहर भी है, क्योंकि इनसाइड गेम क्या है, कहते तो हैं कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम, तो वो हम लोगों को नहीं पता। पर ये बोलना ही बहुत अच्छी बात है कि आप जो हो देख के किसी का काम बोल रहे हो कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि मुझे पता है कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो वो कंट्री को बेटर करेगा, मैं कंट्री का सोच के बोल रहा हूं, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे उसमें कोई पीछे कोई मतलब है नहीं है वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं और ना मुझे कोई लेना देना, एटलीस्ट वो तो अच्छा बोला तो, और बात भी सही है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये जो अर्णव है, ये जो अभी पूछ रहे थे कि 10-20 साल के बाद आपको फ्यूचर दिख रहा है नहीं दिख रहा, काफी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से कि आप उनसे 10-15 साल पहले के बाद आगे क्या होगा या 20 साल के बाद क्या होगा वो पूछ रहे हो। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भैया तुम इतनी आगे का क्या बोल रहे हो, अभी होने वाला है तब फिर तुमने आके इंटरव्यू लेनी है तब फिर से बात कर लेंगे, तो अच्छी एंडिंग की है उन्होंने, तो काफी मजा आया, हंसी भी काफी आई कई कई चीजों में, और जिस तरह से वो बोल भी रहे थे कि भाई अब तुम चुप करो तुमने क्वेश्चन पूछ लिया मुझे बोलने दो, मुझे लगा बिल्कुल अप्रोप्रिएट था क्योंकि लेट इट फिनिश फिर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। और राज ठाकरे बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहे थे जब अर्णव क्वेश्चन पूछते थे, पर अर्णव बीच में कई बार घुसने की कोशिश करते थे, तो काफी मजेदार इंटरव्यू था। राइट, सो इसमें क्या है कि अर्णव का जो कहना था वो ये था कि पहले जो है MNS और BJP का कोई टाइप होने वाला था और शिवसेना का नहीं होने वाला था BJP से, तो इससे पहले कि ऑफिशियल हो, पूरा सॉर्ट आउट हो जाए, ऑफिशियल हो जाए कि BJP और MNS साथ में चलेंगे शिवसेना नहीं चलेगा, तो मिस्टर राज ठाकरे ने ये कह दिया कि मोदी जी बहुत बढ़िया हैं और हम मोदी जी के साथ हैं, मगर ये उन्होंने फाइनलाइज होने से पहले कह दिया। जब उन्होंने कह दिया तो पीछे से शिवसेना ने जो है टसल की और शिवसेना ने रेजिस्ट किया और वो पूरा बैक ट्रैक हो गए, BJP और BJP MNS को सपोर्ट नहीं कर पाया, उनको अपने साथ नहीं ले पाया, तो ये बात जो है अर्णव बुलवाना चाहते थे उनसे
कि आपने जो ये बोला है इसलिए बोला था क्योंकि आपका टाइप होने वाला था बीजेपी से, मगर आपने प्री मेच्योरली ये बात बोली, उससे शिवसेना वाले भड़क गए, उन्होंने मोदी जी के बीजेपी को पीछे किया और अपना कॉन्टैक्ट कर लिया और आप कॉन्टैक्ट से बाहर आ गए, और क्योंकि आपको नहीं कॉन्टैक्ट मिला तो अब ये पता चल रहा है कि आपने ऐसे क्यों बोला था। और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत टेंशन है शिवसेना के साथ, वो तो ऑब्वियस है, और क्या आप जो हैं कुछ समय तक कोशिश कर पाएंगे, कहने का मतलब था कब तक ये चलेगी, क्या तुम पूरी तरीके से उनको हरा दोगे या वो तुम्हें पूरी तरीके से हरा देंगे या दोनों की दोनों पार्टीज कोएग्जिस्ट करेंगी, ये क्वेश्चन था। और राज ठाकरे जी का कहा था कि अभी पता चल जाएगा कि कौन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, देख लेंगे क्या होता है, और वो कह रहे हैं ऐसा नहीं था। अभी राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि कोई अलायंस हुई थी बीजेपी से, और ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोल दिया, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, गुजरात में अच्छा कार्य किया था तो उस समय भी बोला था और इस समय भी बोला है मैंने, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या होने वाला था और फिर बैकफायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और टेंशन जो है शिवसेना के साथ है और अभी देखेंगे कि क्या होता है, तो ये अल्टीमेटली था। और इसमें अर्णव जी जो है वो भी जो एग्जैक्टली वो क्या कहलाना चाहते थे वो मैंने अभी आपको बताया कि क्या कहना चाहते थे, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, उन सभी लोगों को लग रहा था कि उन्होंने जो मोदी जी के बारे में कहा है ग्रेट इसलिए कहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, क्योंकि वो मिलने वाले थे, अलायंस होने वाला था, मगर क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया तब शिवसेना को पता चल गया, शिवसेना ने धमकियां दी या जो भी कुछ किया उससे बीजेपी को वापस हटना पड़ा, और अब ये सिचुएशन आ चुकी है और अब राज ठाकरे जी और भी गुस्सा हैं और भी एंग्री हैं, और अब वो कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि अभी स्टेट इलेक्शंस में क्या होगा और कोएग्जिस्ट कौन करेगा, वो कह रहे हैं अभी पता चल जाएगा, फॉरगेट कितने साल बाद क्या होगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पॉलिटिक्स की, मगर उससे ये पता लगता है कि इन्होंने फ्रैंकली सब बातें की हैं, और ये समय ही बताएगा, महाराष्ट्र के लोग बताएंगे कि वो किस बंदे को फाइनली चूज करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा ये इंटरव्यू हमारे साथ, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।